नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है मास कर्व। तो हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि अगर हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए या डिमांड को फुलफिल करने के लिए किस प्रकार से मास कर्व को बनाया जाता है, और हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि अगर हम लोगों को किसी भी पावर प्लांट के लिए मास कर्व दिया हो तो इस कर्व का एनालिसिस करके हम लोग कौन कौन सी बातों का पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए या लोड डिमांड के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है मास कर्व। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट या लोड को फुलफिल करने के लिए मास कर्व बनाया जाएगा, तो मास कर्व बनाने के लिए हम लोगों को दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, जिनमें से पहला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल लोड। और यह जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो किस में होना चाहिए, मेगावाट में होना चाहिए या किलोवाट में होना चाहिए या वाट में होना चाहिए। और हम लोग जो दूसरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे टाइम। तो क्योंकि हम लोगों को मास कर्व बनाते समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि मास कर्व बनाने के लिए हम लोगों को दो एक्सिस का रिक्वायरमेंट होता है, जिनमें से पहला है एक्स एक्सिस और जो दूसरा है वाई एक्सिस। और हम लोग आगे देखेंगे कि मास कर्व के एक्स एक्सिस में कौन से क्वांटिटी को लिया जाता है और वाई एक्सिस में कौन से क्वांटिटी को लिया जाता है। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं मास कर्व के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। मास कर्व को ड्रॉ करते समय हम लोगों को मास कर्व के वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेना होगा वो कौन सा है, एनर्जी। और यह जो एनर्जी है मास कर्व के लिए किस में हो सकता है, मेगावाट आवर में हो सकता है, किलोवाट आवर में हो सकता है या वाट आवर में हो सकता है। और मास कर्व के एक्स एक्सिस पर हम लोगों को लेना होगा टाइम को। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मास कर्व को ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस में कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लिया जाता है और एक्स एक्सिस में कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लिया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए मास कर्व को ड्रॉ करने के लिए कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। मास कर्व को ड्रॉ करने के लिए हर एक टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस ग्राफ में ड्रॉ करना होगा। जब हम लोग बाद वाले टाइम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मास कर्व को ड्रॉ करते समय पहले वाले एनर्जी को बाद वाले एनर्जी के साथ ऐड करेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग टाइम के साथ इस ग्राफ पर उस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। और उस हर एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए मास कर्व मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग आगे आने वाले वीडियो पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो मास कर्व के बारे में और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को किसी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए मास कर्व दिया है तो उस मास कर्व का
रीडिंग करके या एनालिसिस करके उस मास कर्व से हम लोग किसी पावर प्लांट के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं उसको, ये कि मास कर्व के एनालिसिस से हम लोग कौन सा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। दिस कर्व यूज्ड इन द स्टडी ऑफ वेरिएशन द रेट ऑफ वाटर फ्लो एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल लोड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द नेसेसरी स्टोरेज। तो मास कर्व का यूज़ जनरली हाइड्रो पावर प्लांट के लोड को वेरिएशन को समझने के लिए किया जाता है। तो मास कर्व से हम लोग रेट ऑफ वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग एनर्जी कंज्यूम्ड को एनालिसिस किया जाता है और साथ ही साथ इसमें समझा जाता है कि कितने नेसेसरी स्टोरेज के लिए कितना इलेक्ट्रिकल लोड होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।